हेलो दोस्तों, आज हम आपको समोसे बनाना सिखाते हैं। उसके लिए मैंने जो मटेरियल लिया है, मैंने 8-9 आलू मीडियम साइज के ले लिए और डेढ़ कप मैंने ये मैदा ले लिया है, ये वाला कप लिया मैंने। उसके लिए मैंने थोड़े से मटर लिए, इसको बॉयल कर लिया। 2 हरी मिर्च लिए, 1 चम्मच मैंने आमचूर लिया है, स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हो। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया है, 1 कटोरी छोटी मैंने पनीर की ली है, थोड़ा सा मैंने 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। अब इसकी सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, इसके अंदर हम बाकी मटेरियल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जो उबले हुए मटर है वो भी डाल देंगे, उसके बाद हरी मिर्च भी डाल देते हैं, अमचूर भी डाल देते हैं, नमक भी हमने इसमें डलेगा, पूरा चलेगा। उसके बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें भी ऑयल डाल दूँगा, 1.5 चम्मच, ठीक है। अब इसको हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। पनीर हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे। ये हमारा सारा मिक्स हो गया, अब हम इसके अंदर पनीर भी डाल देंगे। ये हमारे समोसे है, उसकी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देते हैं। अब ये जो मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसके अंदर भी हम नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, और उसके अंदर भी 1 चम्मच, 2 और 3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल के डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और तेल की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट 4 चम्मच इसके अंदर चलेगी। ऐसे मुट्ठी से करके देख सकते हैं कि अब ये मैदा हमारा के लिए तेल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ का ही मैदा गूंदेंगे। धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। ये आटा हमारा जो मैदा था वो रेडी हो गया है, ढो अच्छी तरह। ये हमारा ढो रेडी हो गया है, हमारा स्टफिंग के लिए ये भी रेडी हो गया। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया था, उसके अंदर मैंने मैदा डाल के इसका ये पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम आपको समोसे बनाते हैं, समोसे बनाना रेडी करते हैं। एक हमने इतनी मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लिया है, इसको हम इसके साथ इसको पतला बेलेंगे, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे। ये हमारी इतना पतला हमने इसको बेलना है, उसके बाद हम इसकी बीच में कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हम उठा लेंगे। जो हमने पेस्ट रेडी किया था उस पेस्ट से हल्का सा ऐसे अंदर लगा के इसको फोल्ड कर देंगे, हल्का सा अंदर से लगा के इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। एक एक कोन तैयार हो जाएगा हमारा। पेस्ट मैंने इसलिए लगाया है कि ये फ्राई करते वक्त टूटे मत। अब इसके अंदर जो हमारी स्टफिंग है ना, उसको हम भर देंगे, इसको स्टफिंग को अंदर करके इसके भर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये इसके ऊपर फिर पेस्ट लगाएंगे, इसको पेस्ट लगा के इसको भी हम ऊपर से प्रेस कर देंगे। ये हमारा
पेस्टिंग करने से ये खुलता नहीं है। ये हमारा समोसा जो रेडी हो गया है, इसको हम यहाँ रख लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी रेडी करेंगे। मैंने ये गैस ऑन कर ली थी, मैंने पहले ये तेल गर्म करके रख लिया है। ये ऑलमोस्ट ये तेल हमारा गर्म हो चुका है और गैस हमारी थोड़ी आँच अभी तेज़ है, तो अब हम इसमें समोसे डालने शुरू करते हैं। बीच में हम जब मीडियम साइज मीडियम गैस पर रखेंगे, लेकिन अभी मैंने डालने हैं तो मेरी हाई गैस पर ही है। हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे तो मैं मीडियम में कर दूंगी। ऑलमोस्ट हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जिसको मैंने मीडियम और हाई दोनों पर ही रखा था गैस। अब मेरे ये समोसे जड़े हैं ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैं अब गैस लो करके इसको निकाल लूंगी। अब जो मेरे बाकी के बचे थे उसको भी मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ। ये हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। जो मीठी चटनी है इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ये हमारे समोसे रेडी हो गए।